नमस्कार दोस्तों, मैं अवगुण चौधरी, आप देख रहे हैं जी एच चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ये वाला इस पंखे के बारे में जो कि पानी निकालने का मज़ा। राजस्थान में अधिकतर लोग जो है मशीन के आगे ये वाला 8 HP का इंजन के आगे जो लगाते हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं जो कि इसको पंखा बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के क्षेत्र में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं मालूम है, नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों के क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ पर पंखा बोलते हैं मैनुअल। और आज हम बात करने वाला है इसको जो है किस प्रकार से लगाया जाता है और क्या क्या इसके सिस्टम रहता है और आपको किस प्रकार से वाला दिखता है और इसकी क्या प्राइस है वो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहे वीडियो को। और अगर आपने 8 HP का डीजल इंजन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ, यहाँ पर आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा था। और देखते रहे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दीजिएगा और देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में सारा आज बताने वाला हूँ। तो ये है इसका आगे वाला पार्ट जो कि डॉक्टर का ये वाला इन लाइट है जो कि सेक्शन है, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से पानी जाएगा। और ये है इसका आउटलेट जहाँ से पानी निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार से है। और इसे है 65x50 यानी कि ये है 65 का और ये है 50 का। और ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 50x50 का भी आता है। और इससे बड़ा चाहिए 3 का, 3 इंच का भी आपको इसमें मिल जाएगा सेम इसी तरह से। और ये है डॉक्टर कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये हैं इसके स्क्रू बोल्ट जो इसमें कि सेक्शन लगेगा आपका, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि सेक्शन आप किस प्रकार से मिलता है, तो कि कुछ इस प्रकार से रहता है। और ये हैं इसका आगे वाला पार्ट और ये हैं ऊपर की साइड जो कि 50 mm का रहेगा ये हैं। और यहाँ पे भी ऊपर हो गया आपको जो लाइन लगेगी मोबाइल लाइन यहाँ पर फिट होगी, तो उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा किस प्रकार से रहती है। और ये हैं इसका एयर नोजल जो कि जब भी यहाँ से पानी डालोगे तो सेक्शन भरने के लिए यहाँ से आपको खोलना रहता है ताकि एयर पास हो उसके जो सेक्शन के अंदर वाले पाइप की, इसीलिए वाला रहता है। आपको दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जो कि ये हैं। और ये वाले हैं पुली जो कि इसके ऊपर जो है 8 HP का डीजल इंजन वाला पट्टा रहता है जो कि सामने लगेगी। अभी तो नहीं है, इसको खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको फुटेज में दिखा दूंगा किस प्रकार से लगता है। और यहाँ पे डॉक्टर की ब्रांडिंग है और ये कुछ इस प्रकार से रहता है जिसमें कि बैरिंग वगैरह लगे हुए सारे। दूसरी साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। और ये वाला जो आपको लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा हूँ दोनों तरफ, यह है इस पंखे को स्टेबल रखने के लिए यहाँ से ये वाला बोर्ड लगेगा। ये देखिए चारों खाने जिस प्रकार से वाला लगा हुआ है उसी तरह से इसको एक जगह स्थिर रखने के लिए। और यहाँ पे जो है मिट्टी का वगैरह कट्टा डालना पड़ेगा ताकि ये वाला जब भी यहाँ पे पटा चढ़े तो ये वाला खींच के उधर मशीन की तरफ ना जाए, इसीलिए ये वाला है। यह है डॉक्टर का जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसके अंदर रोड जो कि ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से मिल जाते हैं ताकि पानी के वाला खींच सके अंदर की ओर। ही देखिए आइयो आपको इसके खाने जो है दिखाई दे, खाली जो रहती है रोडर उसका जो कि कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। और ये वाला रोटेट करता है इसी डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में घूमता है तभी ये वाला यहाँ से पानी खींचता है और यहाँ से पानी निकल देता है। और ये तकरीबन 30 नॉजल का पानी एक बार में निकाल देगा। तो पानी काफ़ी ज़्यादा ये वाला निकालेगा और तकरीबन 50-60 फुट नीचे से वाला पानी खींच के ले लेगा बड़े आराम से, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसका। और हम लोग अगर पानी का लेवल ऊपर है तो इसी प्रकार के ये वाले पंखे चलते हैं यहाँ पे जो कि डीजल इंजन के साथ में ये वाले लगे होते हैं, तकरीबन इसी प्रकार से होते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वाला वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको एनेबल कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं लेटेस्ट नए नए अपडेट डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।